तो फाइनली आज मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आ गया हूँ हमारी क्लास एट इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ यानी कि जो हमारा आज क्लास एट इंग्लिश का पेपर हुआ है ये पूरा ओरिजिनल पेपर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम पेपर आपके पास भी होगा और इसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो में स्टार्ट लेकर एंड तक बने रहिएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए ये ओरिजिनल पेपर है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा था दो हजार तेईस चौबीस विषय हमारा अंग्रेजी प्रथम भाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का ये पेपर है क्लास एट अब हम जानते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर कौन तो वॉट डिड द माइजर कीप इन द होल तो बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ट्रेजर ठीक है डिड द माइजर कीप इन द होल यानी कि माइजर ने होल में क्या रखा था तो ट्रेजर रखा था खजाना यहाँ पे सी राइट आंसर है क्वेश्चन सेकेंड है बच्चों हु हुईटेड

तीजन, तीजन बाई ये इसका राइट आंसर होगा ठीक है तीजन बाई राइट आंसर है फेल्ट वेरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का आएगा डिसहार्टेन, तो ये आपको डी आई एस एच ई ए आर टी ई एन ई डी ये डिसहार्टेंट ये राइट आंसर था ठीक है द सेक्रेट बेस्ट तो सीक्रेट को सबसे अच्छा कौन जानता था तो इसका राइट आंसर था बच्चों रोबिन क्या राइट आंसर था रोबिन ये रोबिन राइट आंसर है इसका क्या आएगा रोबिन को सबसे अच्छा सीक्रेट पता था ठीक है आदिल इज ऑनेस्ट बॉय यहाँ पे आर्टिकल है तो ऑनेस्ट के पहले यहाँ पे एन का यूज किया जाएगा तो आदिल इज एन ऑनेस्ट बॉय ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल एन यूज होता है ठीक है अब आता है क्वेश्चन नंबर टेन है तो स्कल्पचर आर्ट वॉज डिवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ तो इसका आएगा नॉर्थन इंडिया नॉर्थन इंडिया तो यहां पर आपको राइट करना था नॉर्थन इंडिया ये इंडिया नॉर्थन इंडिया ये राइट आंसर था ठीक है इसके बाद क्वेश्चन हमारा इलेवन है इन द वेल वेल में कौन कौन फंसे हुए थे तो बच्चों जो वेल में फंसे हुए थे वो कौन कौन थे अ टाइगर अमंकी स्नेक एंड अ ज्वेलर ठीक है ये आपसे बन गया होगा तो मैं लिखकर नहीं बता रहा हूं आपको पता होगा अ अ अ टाइगर आ मंकी, आ स्नेक एंड डिड द रोबर डू विद द गोल्ड तो रोबर ने गोल्ड के साथ क्या किया तो इसका राइट आंसर आएगा रोबर टुक अवे द गोल्ड रोबर टुक अवे द गोल्ड ये। अच्छा चंद्रशेखर दर नेम आजाद वाट मीन तो आजाद का मतलब पूछा है तो आजाद का मतलब बच्चा होता है फ्री क्या मतलब होता है फ्री तो ये राइट आंसर था शॉर्ट क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर देना था आपको वेरी शॉर्ट आंसर फ्री ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे तो क्वेश्चन नंबर फोरटीन चेंज द को नेगेटिव में चेंज करना है All are beautiful. तो बच्चों पे 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 क्या करना है हमें यहाँ पे लिखना है। हमें लिखना लगाना। आई एफ यू एल ऑल फ्लोर्ट्स आर नॉट ब्यूटीफुल तो यहाँ पे बस आपको नॉट का यूज करना है इस आर के बाद हमें नोट लगा के इसको निगेडी बनाना था द स्टार शाइन इन द स्काई इसको निडी बनाना है तो यहाँ पे बनेगा मैं सही से राइट करता हूं आपको देख लीजिएगा द स्टार्स डू नॉट लगेगा बच्चों यहाँ पे डू नॉट डू नॉट इसके बाद सेम आ जाएगा शाइन इन द स्काई ये राइट आंसर होगा द स्टार्स डू नॉट लगेगा डू नॉट शाइन इन द स्काई नोट का यूज करना है विच बुक कंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन क्वेश्चन नंबर जो 15 है तो बच्चों 15 का राइट आंसर होगा मैकदूत तो मैं यहाँ पे राइट करता हूं डी यू टी ए महदूत ये था राइट आंसर ठीक है एम ई जी एच ए डी यू टी ए ये महदूत राइट आंसर है ठीक है विच डायनेस्टी बिल्ट द टेम्पल ऑफ चौसठ योगिनी तो चौसठ योगिनी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का राइट right आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूं थोड़ा सा बड़ा नाम है ये आएगा के एच ए सी डबल एच ए जी एच ए टी ए डायनेस्टी लिख देना इसके बाद ये राइट right आंसर था ठीक है तो कच्चा पगड़ा ये राइट right आंसर कच्चा पगड़ा ये राइट right आंसर है अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद देख लेते हैं ये तो क्वेश्चन के आंसर आपने लिख ही दिए होंगे अकॉर्डिंग टू यू वाट शुड बी डू टू करेक्ट ऑफ मिस्टेक हाउ इज डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल ये सब आपसे बन गए होंगे और अब आते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स पे आर्टिकल तो आर्टिकल में देखो वन डे तो यहाँ पे पहले आएगा अट क्लाइम्ड अप यहां पर भी ए आएगा अ ट्री सिंस इट वाज सिक इट कुड नॉट डाउन इट कु एन म्यूट देर लिव्ड एन आएगा यहाँ पे बाद वाले में एन एलिफेंट एट दर बाय प्लेस इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ दिपीट हुआ है अगर नाउन का रिपीटेशन होता है तो फिर वहां पर द लगता है तो केट रिपीट हुआ है तो वहां पर बाद वाले में द आएगा पहले में आ वन डे अट क्लाइम्ब अप अ ट्री सिंस इट वॉज सिक इट कु डाउन इट सेल्फ इट म्यूड एंड म्यूड उंड elephant. Elephant तो एन लगेगा इट द इट दियर बाय द नियर बाय प्लेस इट वॉज अट ठीक है तो इन क्वेश्चन के आंसर आपसे बन गए होंगे अब आपको बताते हैं पैसेज का सोल्यूशन ठीक है तो पैसेज का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये पूरा एक पैसेज है पांच नंबर का पैसेज है तो देखो पहला क्वेश्चन है वेयर इज बनारस सिचुएटेड बनारस कहाँ पे सिचुएटेड देखो ये यहाँ से आएगा ंगा ये यहां से यहाँ तक ये राइट right आंसर आएगा ये फर्स्ट का हो गया इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा ये राइट right आंसर था वर्ड इट मालवीबलिश इन बनारस ठीक है तो यहाँ पे देखो मालवी स्टैब्लिश एट बनारस यूनिवर्सिटी इन बनारस तो यहाँ पे आएगा ये मालवी जी स्टैब्लिश अवर्सिटी इन बनारस ये टू का आंसर हो जाएगा ठीक है ये समझ में आ गया ना आपको यहाँ से यहां तक था थर्ड मालवी जी डू फॉर दिस तो यहाँ पे मालवी जी ने इसके लिए क्या था तो मालवी जी डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द एक्सप्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर होगा मालवी जी डिवोटेड से लेके यूनिवर्सिटी तक ये थर्ड का आंसर हो जाएगा अब देखते हैं इसके बाद फोर फोर क्वेश्चन क्या है वाई डू पिलग्रिम विजिट बनारस तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर आएगा एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ विजिट बनारस टू हैव अ ग्लिमसेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस तो ये लास्ट में यहां से ये यह फोर्थ का आंसर हो जाएगा एवरी ईयर का ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ऑफ बनारस अपेयर तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज ग्रैंड एंड मजेस्टिक तो यहां से लेके यहां तक ये यह फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ठीक है और फिर वंडर साइंस के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइट करना था ये पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है अब आपने मैच कर लिया कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने करेक्ट करें तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं स्कोर के कितने नंबर का आप पेपर करके आए साठ नंबर का आपका पेपर था इंग्लिश मीडियम का तो इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने करेक्ट दिए ठीक है तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर यानी कि इसकी आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा उनको भी आप इस पेपर का सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग